हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू फाइव मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होगा, मैं आशा करता हूँ इससे ठीक पिछला वीडियो आपने देख लिया होगा जिसमें एंसेंबल लर्निंग बड़े आसान लफ्जों में एक इजी पप्पू के एग्जांपल के साथ मैंने आप तक पहुंचाया था, एक्सप्लेन किया था। अब वो एंसेंबल लर्निंग का जो नॉलेज है वो एक प्री रिक्विजिट नॉलेज है। अगर आपको उसका एक बहुत ही पॉपुलर एंसेंबल मैथड बैगिंग के बारे में समझना है और अगर जानना है तो आपका कम से कम समय दोस्तों मैं इस वीडियो में लेने वाला हूँ, लेकिन अपनी तरफ से ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश मेरी इस वीडियो में रहेगी। खाली एक मात्र डायग्राम से आपको पूरी की पूरी जो बैगिंग टेक्निक है, बैगिंग मेथड है, वो एक्सप्लेन करने वाला हूं, उसकी हर एक डिटेल को मैं टच करने वाला हूं। और यहां पे सबसे पहले इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको ये बता दूं कि भैया ये जो बैगिंग टेक्निक है इसको हम लोग बूटस्ट्रैप एग्रीगेशन के नाम से भी जानते हैं। शुरुआत हम लोग इस डायग्राम की यहां से करते हैं। यहां पे आपको एक डेटा सेट की तरह कुछ दिखाई दे रहा है, डेटाबेस की तरह कुछ दिखाई दे रहा है। ये है हमारा ओरिजिनल ट्रेनिंग डेटा, ये है हमारा ओरिजिनल ट्रेनिंग डेटा। अब इस ओरिजिनल ट्रेनिंग डेटा में बहुत सारे रिकॉर्ड्स होंगे, बहुत सारे सैंपल्स होंगे, बराबर है। तो अगर मैं ऐसा करूं कि रैंडमली, मैं क्या बोल रहा हूं, रैंडमली इस ट्रेनिंग डेटा में से मैं रैंडमली कुछ सैंपल्स निकाल लेता हूं और वो सैंपल्स से मैं एक न्यू डेटा सेट बनाता हूं, मैं एक न्यू डेटा सेट बनाता हूं, उसका नाम दे देता हूं D1। एक न्यू डेटा सेट बनाया जिसको नाम दीजिए D2। वापस से रैंडमली कुछ रिकॉर्ड्स को मैंने सिलेक्ट किया और उसको डाल दिया और एक नया नाम दे दिया डेटा सेट को D2। वापस से रैंडमली मैंने कुछ सिलेक्ट किए सैंपल्स या फिर रिकॉर्ड्स हमारे ओरिजिनल डेटा सेट में से और उसे मैंने दे दिया और एक नया डेटा सेट बना दिया D3। इस तरीके से ऐसे रैंडम सिलेक्शन से, रैंडम सैंपलिंग से विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट मतलब क्या, कि ऐसा हो सकता है कि जितने मैंने कितने बनाए n डेटा सेट्स बनाए, तो ऐसे रैंडम सैंपलिंग से मैंने कितने n डेटा सेट्स यहां पे बनाए हुए हैं। एंड विथ रिप्लेसमेंट, सैंपलिंग विथ रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई तो भी एक रिकॉर्ड, मान लीजिए मेरा ओरिजिनल जो ट्रेनिंग डेटा है उसमें कोई एक रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड नंबर 1। अब वो रिकॉर्ड नंबर 1 मेरे कई सारे डेटा सेट्स में मौजूद हो सकता है रिपीटेटिवली, बराबर। मतलब रिकॉर्ड नंबर 1 यहां पे भी मौजूद है, यहां पे भी मौजूद है, यहां पे भी, तो मेरे 3 डेटा सेट्स में रिकॉर्ड नंबर 1 मौजूद है। क्यों? बिकॉज यहां पे विथ रिप्लेसमेंट पॉलिसी हमने यूज की थी फॉर सैंपलिंग। जब हम लोग सैंपलिंग कर रहे थे, जब हम लोग सैंपल्स को ले रहे थे और नए नए डेटा सेट्स तैयार कर रहे थे, तो वहां पे रिप्लेसमेंट हमने अलाउ कर रखा था। इस वजह से आपके जो सिंपल रिकॉर्ड्स हैं वो Maybe, उनके मल्टीपल कॉपीज, मतलब वो रिकॉर्ड नंबर 1 यहां पे भी एक से ज्यादा डेटा सेट्स में मौजूद हो सकते हैं। और ऐसा भी कुछ हो सकता है, ऐसे भी सिनेरियोज आपके सामने आ सकते हैं। कुछ मान लीजिए जैसे रिकॉर्ड नंबर 50 जो आपके ओरिजिनल ट्रेनिंग डेटा में है वो सिर्फ और सिर्फ D1 में प्रेजेंट है और किसी और डेटा सेट में प्रेजेंट नहीं, तो ऐसा भी हो सकता है। दिस इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी। तो अभी ये जो तैयार हुआ है इसे आप मल्टीपल डेटा सेट्स कह सकते हो या फिर बूटस्ट्रैप्ड सैंपल्स भी कह सकते हो। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे, ये आपको डेटा सेट्स भी कह सकते हो, इन्हें आप बूटस्ट्रैप्ड सैंपल्स भी कह सकते हो। तो भाई अब ये जो बूटस्ट्रैप्ड सैंपल्स जनरेट किए हैं इनका मतलब क्या है, इनको क्यों जनरेट किया है? इन्हें जनरेट इसीलिए किया है ताकि आप क्लासिफायर्स को इनके बेसिस पे ट्रेन कर सको। तो ये आपका एक तरीके का डेटा सेट है, बूटस्ट्रैप सैंपल है, इसको यूज करके आप C1 को ट्रेन करोगे, D2 को यूज करके C2 को यूज करोगे, C3 को D3 से ट्रेन करोगे, इसी तरीके से आप n क्लासिफायर्स को इन n डेटा सेट्स पे ट्रेन करोगे। सो दे आर दीज क्लासिफायर्स आर गोइंग टू बी ट्रेन ऑन दीज n डेटा सेट्स या फिर n बूटस्ट्रैप सैंपल्स। तो अभी हमारे क्लासिफायर्स क्या हो गए, वॉट, अभी क्लासिफायर्स मेरे ट्रेन हो चुके हैं। आप इन्हें मॉडल्स की तरह भी देख सकते हो, क्लासिफायर्स की तरह भी देख सकते हो। अभी इनको मुझे कंबाइन करना है, इन सारे के सारे क्लासिफायर्स को मुझे क्या करना है, कंबाइन करना है और एक नया क्लासिफायर को जन्म देना है, एक नए क्लासिफायर को तैयार करना है। और ये है मेरा फाइनल एनसेम्बल्ड क्लासिफायर या फिर फाइनल एनसेम्बल्ड मॉडल। इन्हें आप मॉडल की तरह भी देख सकते हो। तो मैंने क्या कि इन सभी मॉडल्स को, इन सभी क्लासिफायर्स को कंबाइन किया और एक फाइनल एनसेम्बल्ड क्लासिफायर जनरेट किया। अभी होता क्या है, ये जो है ये स्ट्रॉन्ग क्लासिफायर है एज कंपेयर विद ऑल ऑफ दिस क्लासिफायर। क्यों स्ट्रॉन्ग है? बिकॉज इसकी एक्यूरेसी एज कंपेयर विद अदर क्लासिफायर ज्यादा है, इसका प्रिडिक्टिव पावर एज कंपेयर विद अदर क्लासिफायर ज्यादा है, इसका जो एरर रेट है एज कंपेयर विद अदर क्लासिफायर कम है, एरर रेट इसका कम है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे स्ट्रॉन्गर बोला गया है, बराबर है कि नहीं? तो इसका जो रिजल्ट होगा वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, ओके, ज्यादा प्रिसाइज होगा एज कंपेयर्ड विद द C1। इसका रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट होगा, ज्यादा प्रिसाइज होगा एज कंपेयर्ड विद C2। मतलब अगर हम लोग इंडिविजुअल क्लासिफायर्स का एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन देखें तो वो हमारे फाइनल एनसेम्बल मॉडल से कम होगा, उनका प्रिसीजन एक्यूरेसी इस मॉडल से, इस क्लासिफायर से थोड़ा बहुत कम होगा, इसीलिए इसे स्ट्रांग बोला गया है। और ये मेरे वीक क्लासिफायर्स हैं, ये मेरे वीक लर्नर्स हैं, और ये मेरा स्ट्रांग लर्नर है, ये मेरा स्ट्रांग क्लासिफायर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अभी आप बोलोगे फिर अगर ये क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम होता, फॉर एग्जाम्पल एक क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम दिया गया है और इनको मैंने एक एक्स दे दिया, एक्स दे दिया मतलब
What I'm trying to say is that कि मेरे पास एक classification का problem आया, दो classes हैं, class 1 and class 2 है, बराबर, दो classes हैं, class 1 and class 2, and मैंने ये एक test tuple सभी weak classifiers को, ये जो मेरे classifiers हैं, इन सभी classifiers को मैंने एक tuple दे दिया, okay, ये test tuple है, ये test data है, और मैं इनसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि मुझे जरा वीक क्लासिफायर्स आप ये बताइए कि जो ये एक्स टपल है जो मैंने सबको दिया है, ये एक्स टपल जो है, ये जो एक्स डेटा जो है, ये किस क्लास को बिलोंग करता है? क्या ये क्लास 1 को बिलोंग करता है, क्लास 0, क्लास 2 को बिलोंग करता है? बराबर, तो फिर इसमें क्या हुआ, इस C1 ने जवाब दिया कि नहीं ये 1 को बिलोंग करता है, इसने बोला कि 2 को बिलोंग करता है, ये बोला 1 को बिलोंग करता है, ये बोला 1 को बिलोंग करता है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यानी कि ये जो हमारा एनसेंबल क्लासिफायर है, ये जो एनसेंबल मॉडल है, जो हमारा सी स्टार है, ये सिंपली वोटिंग को यूज करता है। ये क्या यूज करता है, वोटिंग मैकेनिज्म, वोटिंग को यूज करता है और देखता है कि किस क्लास के लिए सबसे ज्यादा वोट आए हैं, किस क्लास के लिए सबसे ज्यादा। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे मेजोरिटी 1 की है, इसका मतलब ये जो एक्स डेटा है, ये जो एक्स सैंपल है, ये जो एक्स रिकॉर्ड है, जो टेस्ट डेटा है, ये हमारा क्लास 1 को बिलोंग करता है। तो फाइनली आउटपुट क्या आता है हमारा, कि ये जो एक्स टपल था, एक्स डेटा था, ये मेरा क्लास 1 को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे हमारा सी स्टार वोटिंग को यूज करता है जब हमारा ऐसे क्लासिफिकेशन की कोई प्रॉब्लम आ जाती है। समझ में आया? तो ये था मुद्दा जो मैंने सारा का सारा आपके सामने रख दिया रिलेटेड विद द बैगिंग। सारी की सारी जो टेक्निक थी वो मैंने आप तक पहुंचा दी है इस वीडियो के थ्रू। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया हो तो जरूर लाइक कर दीजिए, और उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। एग्जाम बड़े नजदीक आ रही है, मेरी एक मदद उन तक पहुंचने दीजिए, शेयर करते जाइए। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।